हेलो बेटा, एट्थ साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हम लेसन वन क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चन आंसर हैं वो राइट कर रहे हैं। कल की क्लास में बेटा मैंने आपके सारे क्वेश्चन थे राइट करवा दिए, क्वेश्चन 1 to 6 तक। ठीक है बेटा, सभी बच्चों ने क्वेश्चन आंसर हैं वो फेयर नोटबुक, सभी बच्चे फेयर नोटबुक बना ले बेटा और क्वेश्चन आंसर हैं वो लिखना स्टार्ट कर दे। कल मैंने 1 से 6 तक क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिए थे और नोटबुक में रिटर्न करने के लिए दिए थे। ठीक है बेटा, आज हम इससे आगे क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 1 to 6 सभी बच्चों ने कर लिए होंगे बेटा। ठीक है, आज हम करते हैं 6 से आगे। देखो 7th क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज इरीगेशन, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। ठीक है, इरीगेशन सिंचाई क्या है और कोई भी एक मेथड बताना है सिंचाई का जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, पानी है वो कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो देखो क्या आता है, इरीगेशन किसको बोलेंगे, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं फसलों को पानी देते हैं एक अप्रोप्रिएट इंटरवल से, यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है उनका, जो हम लगभग यानी कि उसका टाइम ड्यूरेशन निकाल के चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इरीगेशन सिंचाई बोलते हैं। कौन सा एक मेथड है इसमें ऐसा, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप से, ड्रिप सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में बेटा जो पानी होता है उसकी बूंद बूंद गिरती है। किस पे गिरती है, बिल्कुल रूट के पास में। ठीक है, जैसे ये रूट हो गया तो इसके साथ में क्या होती है, पानी की ड्रॉप्स हैं वो गिरती रहती हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं बेटा, जो सीडलिंग होते हैं छोटे छोटे बीज होते हैं, अंकुरित बीज होते हैं, उनको नर्सरी से मेन फील्ड में लेके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन यानी कि जब हम नर्सरी से कोई पौधा लेके आए, गमले में कोई पौधा लेके आए और उसको हमने लाके अपने पार्क में अपने खेत में लगाया तो उसको हमने क्या बोला है, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है बेटा, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर मिल्च एनिमल्स, नेम सम हाई यील्डिंग कैटल्स। मिल्च एनिमल्स क्या होते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल देने हैं जो ज़्यादा मिल्क यील्ड यानी कि जिनकी दूध देने की क्षमता क्या है बेटा, ज़्यादा है, अच्छा दूध देती हैं। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो दूध देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिल्च एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हमने एग्जाम्पल दिए उनके मिल्च एनिमल्स के, देखो जैसे काऊ हो गया, जर्सी एंड साहिवाल, बफेलो हो गया, मुर्रा एंड मैसाना, तो ये वो नस्लें हैं, वो वेराइटी हैं जो क्या करती हैं, हाई यील्ड है मिल्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर क्या होता है बेटा, देखो द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड पीसी कल्चर। जब हम क्या करते हैं, फिश मछलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, उन्हें पालते हैं, खाना खिलाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पीसी कल्चर आता है, जैसे हमने एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, ऐसे पीसी कल्चर हो गया। एनिमल हस्बेंड्री, जब हम बहुत सारे एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, उनको पालते हैं, ठीक है, खिलाते हैं खाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 पे आते हैं। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, ये सभी हमने रीड की थी, जब हमने चैप्टर रीड किया हमने क्वेश्चन आंसर में भी इसको डाला है। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। व्हाट इज हार्वेस्टिंग, व्हाट इज थ्रेसिंग एंड व्हाट इज विनोविंग। तो हम वन बाय वन इन तीनों का एक्सप्लेन करते हैं। देखो हार्वेस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ ए मैच्योर्ड क्रॉप इज टर्म्ड एज हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब मैच्योर्ड क्रॉप यानी कि फसल है वो पक्के तैयार हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, कट करते हैं, उसको काटते हैं और उसको गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब फसल मैच्योर होने पर, पकने पर हम उसको काटते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट आता है आपका थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। आपने फसल को काट लिया, उसको इकट्ठा कर लिया, अब जो आपने फसल काटी है, हार्वेस्ट किया जिस फसल को, उससे अनाज को अलग करना क्या कहलाता है बेटा, थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, कटी हुई फसल से अनाज को अलग करना क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग कहलाएगा। अब जब अनाज अलग करोगे तो उसके साथ क्या आएगा, चोफ आएगा, भूसा आएगा, चारा आएगा। ठीक है, तो देन नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बेटा, विनोविंग। तो थ्रेसिंग, आफ्टर थ्रेसिंग जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विनोविंग बोलते हैं। कैसे, देखो द प्रोसेस इन विच द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दी चॉप, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ग्रेन है, अनाज है, उसको चॉप से, भूसे से अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाइंड। ये किसकी हेल्प से बेटा, वाइंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं, विनोविंग बोलते हैं। ठीक है, हवा की हेल्प से जो हमारा अनाज है उसको हम भूसे से अलग करते हैं, चारे से अलग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विनोविंग बोलते हैं। ठीक है, छानना एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, हाउ आर फूड ग्रेन्स स्टोर्ड। आप फूड ग्रेन्स यानी कि अब आपने क्या कर लिया, फसल को काट लिया, थ्रेसिंग कर लिया, उसको विनोविंग कर लिया, अब आप उसको स्टोर कैसे करोगे।
ठीक है, या फिर स्टोर करने से पहले क्या करोगे, उसको ड्राई करोगे। क्यों करते हो बेटा आप उसको ड्राई? हाउ आर फूड ग्रेन्स स्टोर, कैसे स्टोर किए जाते हैं? फूड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर एंड देन स्टोर। ठीक है, जो फ्रूड ग्रेन्स होता है, जो अनाज होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पहले धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें से जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। ठीक है, और फिर हम उसको क्या करते हैं बेटा, स्टोर करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उस पर रिएक्ट ना करें। ठीक है, जो हमारा अनाज है वो ख़राब ना हो, इससे पहले उसको ड्राई किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आंसर आपके फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने नोटबुक बनानी है और उसमें लिख लेने हैं। ठीक है बेटा।